हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, अब है रात का टाइम और मैं पानी गर्म कर रही हूँ बोतल में भरने के लिए, और सुबह पीने के लिए भी चाहिए होता है, रात को भी एक प्लस पी लेते हैं और कम हो जाता है। तो देखिए, बोतल वगैरह भी भर हुई और बर्तन वगैरह मैंने साफ़ कर दिए, वैसे तो थोड़े से हैं, इनको भी साफ़ कर दूँगी। दूध वगैरह गर्म करना है केवल मुझे, और आर ओ में से ही मैंने पानी कर लिया क्योंकि अभी मजी हुई सिंक है बिल्कुल, तो इसीलिए फिर मैंने इसी में ही रख के पानी डायरेक्ट कर लेती हूँ। और खाना पीना देखिए बिल्कुल ओके है, किचन बिल्कुल साफ पड़ी है इसलिए। और अब बोतल वगैरह भरनी है, दूध करना है, पानी गर्म करना है, और फिर प्रेस तो मैंने कर ली है, अभी प्रेस वगैरह हो चुकी है, सब काम हो चुका है मेरा कम्प्लीट। तो आप लोगों को मैं दिखा दूँ थोड़ा सा, देखिए मेरी प्रेस, और बच्चे बाहर हैं अम्मा बाबा के पास कमरे में। देखिए बार बार तो साफ करती हूँ फिर भी कर जाते हैं, कितना भी साफ कर लो बच्चों के साथ में कभी साफ नहीं रह सकता है कमरा, फिर भी देखिए मैं कोशिश करती हूँ कि साफ रहे, और आते हैं फिर से फैला के चले जाते हैं। और देखिए अभी प्रेस भी रखी है, अभी जस्ट की है मैंने। तो चलिए पानी वगैरह भर लेती हूँ मैं अपनी केतली में, क्योंकि पानी भी हो रहा है गर्म, लाल लाइट आ रही है इसमें भी। तो गाय जो खाली खाली बोतल है उनको मैं एक बार मार देती हूँ और फिर इनको भरूंगी। इतनी बड़ी बोतल 1 लीटर की है ये, और दिखने में इतनी बड़ी लगती है, कितनी लीटर की होगी ये। जब आई थी मैं तो ये सोच रही कि ये 2 लीटर की होगी कम से कम, लेकिन इसका जो मोटा होता है ना अंदर गर्म करने के लिए सामान होता है इसमें भरा हुआ। चलिए अब मैं किचन का काम कर देती हूँ पहले, फिर आपसे मिलते हैं बाद में। तो गए सुबह हो चुकी है और मैं नहा धोई हूँ फिर, और आज है संडे। ये देखिए चाय से बिस्किट खा रही है, ये भी नहाई नहीं है, और वो भी अभी लेटी है, उसको भी खिलाऊंगी, और इसको भी छोटी वाली को भी, दोनों को। और मैं भी नहाई हूँ, कपड़े वगैरह धुल चुके हैं सब, और आज ये प्लास्टर कटवाने जाएगी अपना हाथ का, इसमें हाथ तोड़ गया था। और तो बच्चे जा चुके हैं प्लास्टर कटवाने के लिए, दोनों चली गई हैं क्योंकि आज संडे था, तो वो भी चली गई है बड़ी वाली भी उसके साथ में। और अब मैं देखिए बेड शीट दूसरी बिछाऊंगी, कंबल मतलब कंबल ही बिछा लेती हूँ सर्दियों के टाइम में, तो एक इसको उठाऊंगी दूसरे को बिछाऊंगी। जब से बच्चे वगैरह उधम मचा रहे थे लेटे थे, तो इसीलिए फिर मैंने बाद में ही चेंज किया है इसको, और फिर कल दूसरे दिन धो देती हूँ। फिर अगर उस टाइम मतलब कपड़े धोने के टाइम पे नहीं उतर पाता है तो क्या करें फिर। और इसको मैं एक और स्वेटर पहना देती हूँ क्योंकि ठंड का मौसम हो गया, आज बारिश भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इसीलिए, और बारिश की वजह से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सॉक्स वगैरह पहना देती हूँ, जब से तो ये रजाई में मतलब कम्बल में पड़ी थी ये, तो इसीलिए ज़्यादा मैंने पहनाए नहीं थे। और अब मैंने कंबल भी नीचे अभी पटक दिया है क्योंकि अभी मुझे करनी होगी। देखिए गाइस प्लास्टर कटवा के आ गई है ये, और अभी इसका हाथ अंदर ही, अभी ये कह रही है दर्द हो रहा है अभी। और लेके आए वहां से देखिए सूच, कितने जोड़ी लाए हो? 4 जोड़ी, 1 2 और एक ये 3, एक और रिद्धि के कहाँ गए? रिद्धि वाले, एक ये रिद्धि वाला कहाँ है? ये 4, देखिए 4 तरह के, ये छोटी वाली बेटी के हैं, और ये एक सेट ये है, ये बड़ी वाली बेटी के हैं, ये छोटी बीच वाली के हैं, और ये छोटी वाली के हैं, और ये एक्स्ट्रा हैं।
और ये अपने लिए लाए हैं ये चप्पल दुकान के लिए। 5 जोड़ी जूते हैं टोटल, 1, 2, 3, 4, 5। ये तो 2 महीने भी नहीं चलेंगे, कितनी पहनेगी ये, चलने लग जाएगी जब तक तो आएंगे भी नहीं इसके, छोटे हैं बहुत ज्यादा। गाइस मैं आप देखिए इसके हाथ की सिलाई करने वाली हूँ। आज इसका प्लास्टर कटा है और फिट करी थोड़ी सी है, लेकिन आज 1-2 दिन का काम चल जाएगा और मंगा लूंगी। और सेंधा नमक चाहिए होगा, मैं इसको फोड़ लेती हूँ इस तरीके से। तो देखिए मैंने इसको कूट लिया है और मैं थोड़ी सी लेती हूँ ये फिटकरी और 1 चम्मच करीब लेती हूँ नमक। इसको आगे भरूंगी, पहले मैं सिकाई कर लेती हूँ नहीं तो पानी हो जाएगा ठंडा। तो देखिए मैंने ये पानी कर दिया है गरम सेकने के लिए, इसमें डाल दिया फिटकरी। पूरा हाथ कैसा हो गया बुढ़ाला, पटीते ऐसे ही हो जाता है। और ये मैंने गर्म पानी किया है, ठंडा कर दो थोड़ा सा, नहीं हाथ सहन हो जाए इतना ही है, ज्यादा ठंडे से क्या फायदा, सिकाई नहीं होगी बेटा, फिर इतना तो होना चाहिए कि सिकाई हो जाए अच्छे से। आगे करो बेटा, इसमें डुबो ना, गरम नहीं ज्यादा, डुबो गरम होगा जब भी तो सही होगा बेटा, ये तभी तो अंदर तक सिकाई लगेगी, इसमें सीधा नहीं करना है बेटा, जींस गीली हो जाएगी नहीं तो, नीचे झुको थोड़ा सा ऐसे ही, शाबाश, तो सिकाई लगेगी अंदर तक, फिर नहीं तोड़ेगा कैसे, ये सीधा नहीं होगा हाथ। हो गया सफाई, करने दो, अब मैं इसकी सिकाई कर देती हूँ पहले। इस सिकाई कर दे आपको होता है सफाई, पूरा 1 महीना हो गया इस प्लास्टर को, 1 तारीख को लगी है इसकी नई साल वाले दिन, और आज 29 तारीख हो गई, 29 तारीख को ये कटा है, आज ही कट के आया है प्लास्टर इसका, इसकी सिकाई होगी थोड़े बहुत दिन जब जाके ये सीधा होगा, अभी सीधा भी नहीं होगा। नीचे करो ना, इसमें डुबो हाथ को, सिकाई लगे उसमें बस, डुबो के रख, पूरा डुबो जितना डूब जाए। अभी टी शर्ट को भी दबाना है, फिर गिल हो जाए, फिर मैंने पट्टा चेंज कर दिया, ऊंचा वाला मैंने ले लिया, नीचे वाला इसका, अब इससे ये अच्छे से हट उठ रहा है। एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज वगैरह करेगी जब ही जल्दी सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक्सरसाइज करोगे तो जल्दी सही होगा, एक्सरसाइज करोगे तो जल्दी सही हो जाएगा। ऐसे करो और अब करो ऐसे करो, पहले हाथ सही कर दो, पहले मेरा ऐसे होगा घूम घूम के, जब तो एक्सरसाइज होती है ना बेटा, पानी में एक्सरसाइज तो इसका ये कौन ही पैसे टूट रहा है, तो कौन ही ऐसे चलेगी जब भी, तो कैसे होगा ये, ऐसे करके घूमा, ऐसे करके जितना कितना सीधा हो रहा है, ऐसे सीधा करने की कोशिश करो धीरे धीरे करके, सीधा एकदम ऐसे हो जाता है ना, हाथ सीधा एकदम ऐसे, धीरे धीरे करके ऐसे सीधा होगा, कर सीधा पानी डाल, करने की कोशिश कर।
पानी में चलाओ, बाहर भी चलाओ, और वैसे भी दिन में भी चलाते रहना है जब ये सही होगा, रात को भी चलाते रहना। चलो जल्दी जल्दी।